कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जून 2023 के करंट अफेयर्स पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों पुस्तकों को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप इन दोनों पुस्तकों को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप इन दोनों पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। रॉक का मतलब क्या होता है? रॉक का मतलब होता है आपका चट्टान या पत्थर, पत्थरों का गार्डन। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया है सुकमा जिले के रामाराम की पहाड़ी में। सुकमा जिले में मौजूद है रामाराम की पहाड़ी, जहां पर प्रदेश का पहला रॉक गार्डन स्थापित किया गया है। और यह गार्डन राम वनगमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत विकसित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत प्रथम चरण में कुल 10 स्थानों को चयनित कर उसका विकास करेगी। शुरू में जो है प्रथम चरण में कुल 9 स्थानों का चयन किया गया था, लेकिन बाद में एक स्थान और जोड़ा गया है, आपका चंपारण्य, रायपुर जिले का चंपारण्य। देखिए, कुछ पुस्तकों में अलग अलग डाटा दिए गए हैं कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में स्थानों की संख्या 11 है, 12 है, लेकिन ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के आंकड़े, लेटेस्ट जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग का, ठीक है। हमने जो है हमारे करंट अफेयर के मैगजीन में भी इसे मेंशन किया हुआ है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 10 स्थानों का चयन किया गया है। उन 10 स्थानों में से एक स्थान है आपका रामाराम। इस रामाराम में राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के तहत इस पहले रॉक गार्डन को स्थापित किया गया है। अब देखिए, ये राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत विकसित किया गया है, यानी कि ये भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है। इस आपके रॉक गार्डन के अंदर एक गुफा है जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस गुफा के अंदर भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के वनवास काल तक, फिर माता सीता के हरण के बाद, माता सीता के हरण के बाद रावण के वध तक दीवारों पर पत्थर और आर्टिफिशियल स्कल्पचर से मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को उकेरा गया है। यानी कि पूरे के पूरे रामायण को एक गुफा के अंदर पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है। तो ये भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, रामायण पर आधारित है ये गुफा के चित्र। इस आपके गुफा में, इस गार्डन में, इस रॉक गार्डन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक ओपन थिएटर स्थापित किए जाने की भी योजना है। विशेष बात क्या है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान सुकमा के रामाराम में ठहरे थे, जहां पर उन्होंने माता चिटमिटिन की इन्होंने पूजा की थी। वन देवी भू देवी के रूप में उन्होंने जो है आपके चिटमिटिन माता की पूजा की थी। छत्तीसगढ़ की भूमि को छोड़ने से पहले उन्होंने भू देवी के रूप में चिटमिटिन माता की पूजा की थी, ठीक है। प्रदेश सरकार यह दावा करती है कि भगवान श्री राम जो अपने, जिन्हें 14 साल का वनवास हुआ था, अपने 14 साल में से 10 साल उन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किया था। दंडकारण्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, उस दंडकारण्य क्षेत्र में वर्तमान में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, उसके साथ साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा वाले क्षेत्र भी आते थे। तो भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में से 10 साल दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत किए थे और छत्तीसगढ़ की भूमि को छोड़ने से पहले उन्होंने चिटमिटिन माता की पूजा की थी। ये जो आपका रॉक गार्डन है, इस गार्डन के अंदर मानव मुद्रा को प्रदर्शित किया गया है। चट्टानों से बनी हुई यहां पे मानव मुद्रा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें मनुष्यों की अभिव्यक्तियों को दर्शाया गया है। इसके अलावा एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार बनाने के लिए दो हाथियों की मूर्तियां स्थापित की गई है। अब यहां पर मनुष्यों की अभिव्यक्ति बोला जा रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन, खुशी का पल, दुख का पल, हंसने की अभिव्यक्ति, ये सारा चीज पत्थरों के माध्यम से आपकी जो मानव मुद्रा बना करके यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है इसका एंट्रेंस गेट, जहां पर रॉक गार्डन रामाराम लिखा हुआ है।
इंट्रेंस गेट पे दो आपके हाथी स्थापित किए गए हैं और यहां पर मानव मुद्रा जो कि मानवों की अभिव्यक्ति को दर्शा रहे हैं, ये हंसी की अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति, गुस्से की अभिव्यक्ति, अलग अलग मुद्राएं दर्शा रहे हैं। और ये गुफा के अंदर पूरे रामायण का, ठीक है, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित पूरे रामायण का यहाँ पर पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है गुफा के भीतर। तो ये है हमारे प्रदेश का पहला रॉक गार्डन, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन किस जिले में स्थापित किया गया है? सुकमा जिले के रामाराम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है टीएस सिंहदेव जी को। टीएस सिंहदेव जिन्होंने 28 जून 2023 को छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये जो टीएस सिंहदेव जी है, ये छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान की विधानसभा में विधायक है। इस अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से ये कुल 3 बार विधायक बन चुके हैं, 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में, 2013 और 2018, लगातार 3 बार ये अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हुए हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 13 कैबिनेट मंत्रियों में से एक कैबिनेट मंत्री है। देखिए, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टोटल 13 आपके मंत्रियों का कैबिनेट है। हर एक मंत्री के पास अपना अलग अलग विभाग बटा हुआ है। अगर हम बात करें टीएस सिंहदेव एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन मंत्रालय, वाणिज्य कर यानी कि जीएसटी मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। टीएस सिंहदेव जी हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री है। देखिए, अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में जब कभी भी कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसे उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके तो कारण मुझे नहीं पता। ये जो आपके जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जो टीएस सिंहदेव जी है, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय लिया जाता है दिल्ली से। दिल्ली में आपका वेणुगोपाल जी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें मेंशन किया गया कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव जी को नियुक्त किया जाता है, लेकिन पदभार ग्रहण या पद ग्रहण समारोह ऐसा कोई भी आयोजित नहीं हुआ, ना ही राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण कराया गया। अभी तक मैंने बहुत से न्यूज़ आर्टिकल सर्च किए तो मुझे ये जानकारी नहीं मिली। जैसे अगर हम सबसे लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है आपके अजीत पवार जी को, जिन्हें बकायदा राज्यपाल के द्वारा जो है इन्हें पद के जो है इन्हें पद ग्रहण के लिए जो है अलग से उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण कराया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल दिल्ली में बैठी जो इनकी कांग्रेस पार्टी है उनके द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसके बाद से इनका पद ग्रहण माना जा रहा है। ना ही कोई ओथ सेरेमनी हुई, ना ही कोई पद ग्रहण समारोह हुआ, डायरेक्ट जो है एक प्रेस रिलीज के बाद इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। वैसे अगर आपको जानकारी होगी कि ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद का कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये उप मुख्यमंत्री का पद बनाया गया है। बाकी अगर हम बात करें कि जो आपका भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, यानी कि यह एक संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद का मतलब जैसे राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे के सारे पद का उल्लेख भारतीय संविधान में है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद का कोई भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा छत्तीसगढ़ कोई पहला राज्य है जो कि उप मुख्यमंत्री यहां पर नियुक्त किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी उप मुख्यमंत्री आपके नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि अगर यहां पर हम देखें, यह है इंडिया का मैप, यहां पर आपका ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूपी में, बिहार में, इसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, यहां पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, और आपका मिजोरम, एक आपका मेघालय, इन राज्यों में भी आपके उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में केवल एक उप मुख्यमंत्री ही बनाया जाता है,
एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यूपी में दो उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, दो उप मुख्यमंत्री मौजूद है आपके यूपी में। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां पर 5 उप मुख्यमंत्री मौजूद है। अगर मैं सीधे साधारण शब्दों में बताऊं तो यह राजनैतिक संतुष्टि बनाए रखने के लिए है, एक अपने वोट बैंक बचाए रखने के लिए है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री का जो आपका पद होता है, क्या होता है कि जो दो पार्टियां होती है उन पार्टियों में एक व्यक्ति विशेष के पास अपना एक समर्थन होता है, तो उस समर्थन को बचाए रखने के लिए, राजनीतिक संतुष्टि के लिए उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, हर कोई जो है अपने राज्य का मुखिया बनना चाहता है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब आपका 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी, ये दोनों के दोनों प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के पद के। फिर उसके बाद फिर बहुत से आपका न्यूज़ आया था कि छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल वाला कॉन्सेप्ट होगा, ढाई साल आपके भूपेश बघेल जी रहेंगे, फिर उसके बाद में ढाई साल टीएस सिंहदेव जी रहेंगे। और अभी जो है आपका आगामी चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साहे जी, जिन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो अब जो है बीजेपी भी अपने थोड़ी सी जोर लगाने पर थी। टीएस सिंहदेव जी नाराज थे, ठीक है, ये मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ, जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। तो टीएस सिंहदेव जी नाराज थे, तो उन्हें जो है बनाए रखने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर आप बात करेंगे तो अभी नवंबर दिसंबर या जनवरी 2024 में अगला चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में भी इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, ठीक है, इस कारण से इन्हें जल्द से जल्द संतुष्ट करना जरूरी था, ये वास्तविक बात है, ठीक। तो ये है आपके कुछ और अन्य राज्य जहां पर वर्तमान में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है श्री नंद कुमार साहे, अभी मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। श्री नंद कुमार साहे जी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहे, ये जो है नंद कुमार साहे जी को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नंद कुमार साहे जी ये छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष थे, आपके 14 दिसंबर 2000 से लेकर के 5 दिसंबर 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष थे, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा श्री नंद कुमार साहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रमुख भी रहे थे 2017 से लेकर के 2020 के मध्य, साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में आपके पूर्व विधायक सांसद और प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहे। ये बीजेपी के एक अच्छे खासे पहचान वाले नेता थे, एक वरिष्ठ नेता थे, लेकिन ये थोड़े से बीजेपी से असंतुष्ट थे, जिसके कारण इन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र लेकर के कांग्रेस में जो है अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। तो ये है आपके नंद कुमार सहाय जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक। इसके साथ साथ इनकी पहचान क्या है कि छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रमुख भी रहे 2017 से 2020 के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विद्यारत्न भसीन ये छत्तीसगढ़ में वैशाली नगर विधानसभा से विधायक थे, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाल ही में इन विद्यारत्न भसीन जी का निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता थे। अगर हम ध्यान दें, ये पांचवी जो आपकी विधानसभा आई, पांचवी विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 में, 2018 से लेकर के अब तक, 2018 से लेकर के अब तक कुल 5 विधानसभा सीट है जो कि रिक्त हुआ, जैसे कि सॉरी कुल 6, जैसे कि आपका एक दंतेवाड़ा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा मरवाही, चौथा खैरागढ़, पांचवा आपका भानुप्रतापपुर और छठवा है आपका वैशाली नगर, ठीक है, छठवा है आपका वैशाली नगर। जैसे कि अगर हम बात करें दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी जी, जिनकी नक्सलवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ये आपका दंतेवाड़ा विधानसभा सीट रिक्त हुआ, जहां पर उपचुनाव कराया गया और उपचुनाव होने के पश्चात यहां पर देवती कर्मा, कांग्रेस कैंडिडेट देवती कर्मा जी यहां से विधायक बनी। चित्रकूट, जहां पर दीपक बैज जी चित्रकूट से आपके चुनाव जीते थे, पांचवी विधानसभा में आपके चित्रकूट विधानसभा सीट से विधायक थे, बाद में ये लोकसभा सांसद बनने के कारण चित्रकूट विधानसभा सीट रिक्त हो गया, बाद में यहां पे उपचुनाव हुए और यहां पर विधायक बने आपके रामजन बेंजाम, कांग्रेस कैंडिडेट। मरवाही, जहां पे विधायक थे अजीत जोगी जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, इनकी आकस्मिक निधन हो गया,
इसके बाद मरवाही विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ, यहां पर विधायक बने के ध्रुव, ठीक है, कांग्रेस कैंडिडेट। खैरागढ़ में थे आपके देवव्रत सिंह, ये भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से थे, हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ, जिसके बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट रिक्त हुआ। खैरागढ़ विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ, यहाँ पर यशोदा वर्मा जी जो है विजयी होकर के विधायक बनी, और ये खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के बाद ही खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला अस्तित्व में आया था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि खैरागढ़ विधानसभा में अगर उनका उम्मीदवार विजयी होता है तो वो खैरागढ़ को एक नए जिले का तोहफा देंगे, ठीक है। उसके बाद भानु प्रतापपुर, जहां पे मनोज सिंह मंडावी जी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, इस भानु प्रतापपुर सीट में भी फिर से जो है आपके उपचुनाव हुए, जहां पर आपके मनोज सिंह मंडावी जी की पत्नी सावित्री मंडावी जी विजयी होकर के यहां से विधायक बनी। अब बात आती है वैशाली नगर विधानसभा की, तो यहां पर अभी कोई भी उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि अब अगला चुनाव आने ही वाला है, इस साल के आखिरी तक या फिर आपके जनवरी में इस साल चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कम अवधि बचा है, इसलिए वैशाली नगर विधानसभा सीट रिक्त ही रहेगा। तो वैशाली नगर विधानसभा से विधायक कौन थे, ये थे आपके विद्यारत्न भसीन जी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिल्म बस्तर। हाल ही में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी के निर्माता एवं निर्देशक ने यह घोषणा किया है कि वे बस्तर के ऊपर एक फिल्म बनाने वाले हैं, और उस फिल्म का नाम ही होगा आपका बस्तर, ठीक है। 26 जून 2023 को इनके द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, ये है आपका पोस्टर। इस पोस्टर में बस्तर लिखा हुआ है, जहां पर AK-47 राइफल, आपका जो नक्सलियों का जो झंडा होता है वो, ठीक है, जंगल यहाँ पर दर्शाया गया है, बम फटने पे धुआं दर्शाया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर बेस होगी। फ्रॉम दी मेकर्स ऑफ केरला स्टोरी, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसी के निर्माता निर्देशक, देखिए फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माताओं के द्वारा यह बस्तर फिल्म बनाई जाएगी। इस फिल्म के निर्माता होंगे विपुल शाह और इसके डायरेक्टर होंगे सुदीप्तो सेन, ठीक। इस पोस्टर में अगर हम बात करें तो इस पोस्टर में जंगल, राइफल, धुआं और नक्सल का झंडा दिखाया गया है, और नीचे तरफ यहां पर लिखा हुआ है छुपा हुआ सच जो देश में तूफान लेकर आएगा, हिडन ट्रूथ दैट विल टेक द नेशन बाय द स्टॉर्म, ठीक है, बाय अ स्टॉर्म। इन निर्माता निर्देशक के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि यह मूवी 5 अप्रैल 2024 को रिलीज की जाएगी, अगले साल 5 अप्रैल 2024 को यह मूवी रिलीज की जाएगी। बस्तर के एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे यह प्रेरित होगा, यानी कि सत्य घटना पर आधारित होगा। अब यह कौन सी घटना उठाते हैं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोडक्शन के तले यह पिक्चर बन रही है। अब इसमें मेन लीड कैरेक्टर कौन होगा, ये देखने वाली बात है। मुख्य किरदार, मुख्य कलाकार, मेन एक्टर कौन होगा, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन लीड रोल में कौन होगा, ये आने वाले समय में इसकी घोषणा की जाएगी। जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, ये है इसका पोस्टर। निर्माता कौन है, विपुल शाह। निर्देशक कौन है, सुदीप्तो सेन, जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो नक्सली घटनाक्रम हुए हैं उसमें एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे ये प्रेरित होगा, ठीक है। 5 अप्रैल 2024 को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चाक परियोजना। चाक का फुल फॉर्म क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमिक। देखिए CH मतलब छत्तीसगढ़, A से एक्सेलरेटेड, L से लर्निंग, फॉर नॉलेज इकोनॉमिक, ये जो है ये चाक परियोजना का फुल फॉर्म है। चाक परियोजना, इस चाक परियोजना को विश्व बैंक के समर्थन से प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा इस चाक परियोजना में 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि इसमें जो है अनुदान दिया गया है 2460 करोड़ रुपए। अब इस पैसे का उपयोग क्या कहां किया जाएगा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में, बजट 2023-24 में यह घोषणा किया था कि प्रदेश सरकार अपने तरफ से 400 करोड़ रुपए इस आपके चाक परियोजना में व्यय करेगी। विश्व बैंक के द्वारा 2460 करोड़ रुपए की इसमें मंजूरी दी गई है, लेकिन बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि वित्त मंत्री भी है हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा घोषणा किया गया था बजट में कि इस चाक परियोजना के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब ये चाक परियोजना है क्या, देखिए ये प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर आधारित है। अब गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं कि जब COVID-19 का दौर आया तब पूरा शटडाउन, पूरा लॉकडाउन की स्थिति थी। बच्चों का स्कूलों में जाना प्रतिबंधित था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। ऑनलाइन एजुकेशन आया लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा का वह स्तर नहीं बना पाया। जनरल प्रमोशन हुए, बिना बच्चे पढ़े जो है उनका प्रमोशन किया गया, बिना एग्जाम दिए दूसरे क्लास में पहुंच गए। इसमें क्या हुआ? इसमें बच्चों के शिक्षा का स्तर गिर गया क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। एक क्लास से दूसरे क्लास में इनका जनरल प्रमोशन हो गया, तो इसमें क्या हुआ? शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। तो इस गिरे हुए स्तर को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए चाक परियोजना लाया गया। चाक परियोजना जो कि विश्व बैंक के समर्थन से चलाया जा रहा है, जिसमें विश्व बैंक ने 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में इसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। देखिए, COVID-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा अधिग्रहण स्तर पर कमी को सुधारने के उद्देश्य से यह चाक परियोजना लाया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए चाक परियोजना का फुल फॉर्म क्या है, यह एक क्वेश्चन पूछेगा। चाक परियोजना क्या है? शिक्षा गुणवत्ता में सुधार संबंधित है, ठीक है। चाक परियोजना किसके समर्थन से चलाया जा रहा है यह पूछा जाएगा। RBI के समर्थन से, भारत सरकार के समर्थन से, विश्व बैंक के समर्थन से, IMF के समर्थन से। तो विश्व बैंक के समर्थन से चाक परियोजना चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में इस चाक परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? 400 करोड़। विश्व बैंक ने कितनी की मंजूरी दी है? 2460 करोड़, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जिन्हें भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये है आपके रवि सिन्हा जी। ये छत्तीसगढ़ कैडर से है। छत्तीसगढ़ कैडर 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है। जब कभी भी UPSC एग्जाम देने के बाद जब IAS IPS बनते हैं तो उन्हें उनके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक राज्य दिया जाता है जिसे कहा जाता है कैडर। तो छत्तीसगढ़ कैडर 1988 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है। अगर हम बात करें इनकी जन्मभूमि, तो इनकी जन्मभूमि है बिहार, इनकी कर्मभूमि है हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इनकी शुरुआत हुई थी, जिन्हें वर्तमान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे ये जो आपके जो रवि सिन्हा जी है, रवि सिन्हा जी से पहले रॉ के प्रमुख थे सामंत कुमार गोयल, जिनके बाद अब इन सामंत कुमार गोयल के बाद अगला प्रमुख बनाया गया है रवि सिन्हा जी को। यह है आपका रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, भारत सरकार की एक खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमित अग्रवाल। ये भी जो है रवि सिन्हा के जैसे ही, इन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है। ये जो आपका अमित अग्रवाल जी है, अमित अग्रवाल जी 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी है। वो IPS थे, ये IAS अधिकारी है। इनकी भी कर्मभूमि हमारी छत्तीसगढ़ रही है। 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी है। इन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सीधे साधारण शब्दों में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का इन्हें CEO बनाया गया है। इनसे पहले इस पद पर थे श्री सौरभ गर्ग, इनके स्थान पर अब अगला CEO बनाया गया है अमित अग्रवाल जी को। देखिए, ये आपका UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है क्या? ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि आधार अधिनियम 2016 के तहत UIDAI स्थापित किया गया है। इसका मकसद UID द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान को समाप्त करना था। UIDAI देश की सभी नागरिकों के लिए आधार के रूप में UID यानी कि पहचान पत्र बनाने के लिए एक वैधानिक निकाय है, वही आधार कार्ड जारी करता है। इसमें 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड नंबर होता है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आधार कार्ड में जो आपका आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी है, जो पहचान जो है, देखिए 12 अंकों का विशिष्ट जो पहचान संख्या होता है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि आधार कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है 12 अंकों की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
इसके सीईओ कौन है, ये है आपके अमित अग्रवाल जी, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश की सबसे बड़ी कोयला खदान, देश की सबसे बड़ी कोयला खदान है कोरबा जिले का गेवरा माइंस, कोरबा जिले का गेवरा माइंस जो कि देश का, भारत देश का सबसे बड़ा कोयला खदान है। इसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में, गेवरा से 50 मिलियन टन कोयले का खनन किया गया, जो कि देश में किसी एक खदान से अब तक का सबसे बड़ा खनन है, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा खनन है देश के किसी और खदान से। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेवरा से 50 मिलियन टन कोयले का खनन किया गया। देखिए, ये जो आपका गेवरा जो माइंस है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट गेवरा की वर्तमान उत्पादन क्षमता है 52.5 मिलियन टन, यानी कि अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है 2023-24, इस चालू वित्तीय वर्ष में 52.5 मिलियन टन कोयले का उत्खनन किया जाना लक्षित है, यानी कि इतना उत्खनन किया जाएगा इस चालू वित्तीय वर्ष में। पिछले वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन, चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रखा गया है कि 52.5 मिलियन टन उत्खनन किया जाएगा। इसका विस्तार कर सालाना 70 मिलियन टन कोयले खनन की योजना है। इसमें जो है पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद गेवरा का उत्पादन की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी खदान हो जाएगी। अभी वर्तमान में ये देश की सबसे बड़ी खदान है, भारत देश की, पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा खदान हो जाएगा जब इसे पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद 70 मिलियन टन सालाना खनन की अनुमति मिलेगी। अभी इसके लिए एक आपका सभा बुलाया जाएगा जिसमें आसपास के ग्रामीणों से अनुमति लेना भी आवश्यक है। उसके बाद जो है इसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पर्यावरण स्वीकृति मिल जाती है तो यहां से सालाना 70 मिलियन टन खनन किया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आपका कोयले का खदान बन जाएगा। वर्तमान में पिछले वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन के साथ ये देश का सबसे बड़ा कोयले का खदान बन गया है। वर्तमान में अगर इसका लक्ष्य बात करें तो 52.5 मिलियन टन इसका लक्ष्य है। इसे 70 लाख मिलियन टन किए जाने का जो है इसमें योजना है। पर्यावरण स्वीकृति मिल जाती है तो 70 लाख मिलियन टन कोयले का खनन किया जाएगा। अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ी खदान उत्पादन की दृष्टि से इंडोनेशिया का संगट्टा ओपन कास्ट खदान है, ठीक है। संगट्टा एक जगह है, एक आपका माइंस है, संगट्टा ओपन खान्स जो है, ओपन कास्ट खदान दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। 2021 में यहां पर, ये दुनिया नहीं होगा, ये एशिया होगा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा खदान है। 2021 में यहां पर 51.4 मिलियन टन कोयले का उत्खनन हुआ, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ गेवरा माइंस में कितना हुआ है, 50 मिलियन टन, जबकि इसने 2021 में 51.4 कर लिया है। इस बार जो है गेवरा माइंस में 52.5 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसे बढ़ा करके और 70 मिलियन टन करने का टारगेट है। अगर 70 मिलियन टन हो जाता है तो ये एशिया का, अभी तो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा कोयले का खदान है, ये एशिया का सबसे बड़ा कोयले का खदान बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका गेवरा माइंस। देखिए, 50 मेट्रिक टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी गेवरा माइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंधा मतौर मेला, इसे भी हमने करंट अफेयर के मैगजीन में इसे कवर किया है। ये बंधा मतौर मेला, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बंधा मतौर मेले का आयोजन कहाँ हुआ, कोंडागांव जिले के फरस गांव में एक गांव है बरकई, जहां पर इसका आयोजन हुआ। अब ये है क्या, इसमें जो है एक तालाब में मछली पकड़ने का यहाँ पर एक प्रतियोगिता किया गया। ये एक्चुअली में कोई मेला नहीं था, इसमें मछली पकड़ा गया। यहाँ पे थ्योरी लिखा है, थ्योरी पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला जो बंधा मतौर मेले का जो आयोजन है ये 2008 में किया गया था। 2008 के बाद दोबारा ये मेला भरा नहीं। 14 साल के बाद ये मेला दोबारा आयोजित हुआ, अभी 2023 में जून के महीने में, ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी हाईलाइट में रहा। इस मेले की विशेषता ये थी कि एक तालाब के अंदर जाकर के इसे मछली पकड़ना था। इसमें एक मालगुजार जमींदार, जिसके क्षेत्र के अंतर्गत एक तालाब आता था, उसमें जो आपका जमींदार है, उसने तालाब के पानी को हाथ लगाया, जिसके बाद आसपास के जितने भी ग्रामीण थे, आसपास के गांव के ग्रामीण इस तालाब में कूद करके मछली पकड़ रहे थे। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के ग्राम बरकई में वर्षों से चली आ रही अनोखी परंपरा बंधा मतौर मेला 14 साल बाद फिर से दोहराई गई।
बरकई के ग्रामीण सहित आसपास के अनेक गांव के लोग इस मेले में शामिल हुए। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के एक साथ तालाब में मछली पकड़ी और पुरानी परंपरा का निर्वाह किया। गाजे बाजे के साथ ग्राम प्रमुख मालगुजार का मतलब जमींदार, मालगुजार राम प्रसाद पांडे, नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, को भी ग्रामीणों के साथ तालाब के पास पहुंचे। फिर मालगुजार ने विधिवत पूजा अर्चना, जैसे ही बाजे बजने लगे, माँ दंतेश्वरी की धुन बजाई तो मालगुजार ने वहां मौजूद सभी ग्रामीणों को मछली पकड़ने की अनुमति दी। ग्रामीणों ने जाल बिछा करके मछली पकड़ना शुरू किया, जिसमें बुजुर्ग, महिला, युवा, बच्चे सहित सभी शामिल थे। लगभग 2 घंटे बाद मालगुजार ने तालाब के पानी को हाथ लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मछली पकड़ना बंद किया। ग्रामीणों का मानना है कि बंधा मतऊर मेला पर्व कम समय में ग्रामीणों ने तालाब से बड़ी संख्या में छोटी बड़ी मछली पकड़ी। इससे पूर्व बंधा मतौर मेला 2008 में आयोजित किया गया था। बाकी चीज को भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो है लीज, शासन प्रशासन की विसंगति के कारण तालाब जो है ये लीज पे दे दिया गया था, जिसके कारण ये जो है यहाँ पर मछली पकड़ना प्रतिबंध हो गया था। 14 साल बाद ये पुनः आयोजित हुआ तो ये क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी हाईलाइट में था, लगभग सभी न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया था। बंधा मतौर मेला ये किस जिले में आयोजित हुआ? ये हुआ आपके कोंडागांव जिले के फरस गांव के बरकई ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी, एक गिलहरी है इंद्रधनुषी गिलहरी, इसके शरीर पर बहुत सारे आपके रंग होते हैं, अलग अलग बहुत प्रकार के रंग होते हैं, जिस कारण से इसे इंद्रधनुषी गिलहरी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसके शरीर पर काला रंग, पीला रंग, भूरा रंग, ठीक है, नारंगी रंग, लाल रंग इसके शरीर पर रहते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे प्रकार के रंग है, इसलिए इस आपकी गिलहरी को इंद्रधनुषी गिलहरी कहा जाता है। इंद्रधनुषी गिलहरी देखा गया सरगुजा जिले के उदयपुर के मातिरिंगा के जंगल में। इस इंद्रधनुषी गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है रट्टूफा इंडिका, जबकि इसका अन्य नाम है मालाबार जाइंट गिलहरी। मालाबार जाइंट गिलहरी नाम से स्पष्ट है ये दक्षिण भारत एवं मध्य भारत वाले क्षेत्र में इसका प्राकृतिक रहवास है। इसका रंग इंद्रधनुषी गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि इस इंद्रधनुषी गिलहरी काला, पीला, भूरा, नारंगी, लाल सहित कई रंग इस गिलहरी में दिखाई देती है। विशेष बात क्या है कि यह महाराष्ट्र का एक राजकीय जीव का दर्जा प्राप्त है। इस आपके इंद्रधनुषी गिलहरी को महाराष्ट्र के राजकीय जीव का दर्जा प्राप्त है, जिसे महाराष्ट्र में इस इंद्रधनुषी गिलहरी को शेकारू कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शेकारू। इंद्रधनुषी गिलहरी 1.5 से 3 फीट तक लंबी होती है। यह करीब 20 फीट तक छलांग लगा सकती है। तो इंद्रधनुषी गिलहरी प्रदेश के किस जंगल में देखा गया? सरगुजा जिले के उदयपुर के मातिरिंगा की जंगल में इसे देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया। करंट अफेयर के मैगजीन में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी पूरा मैंने लिस्ट अपडेट करके डाला हुआ है। उसमें जून महीने के लगभग एंड तक का सारा करंट अफेयर उसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, अगर बात करें इस नवीन वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 में धान सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2183 रुपये, ग्रेड ए का है 2203 रुपये। देखिए, इसमें से कुछ लिस्टेड जो है जो आपको याद करना है, पूरा तो याद कर सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इस लिस्ट को देख करके आप सारा याद कर लेना, लेकिन कुछ मेन आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183, ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 यानी कि 2203 रुपये प्रति क्विंटल। वैसे ही बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल, रागी का याद रख लेना 3846 रुपये, मक्का का 2090 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, इसके अलावा बाकी मूंग का याद रख लेना 8558 रुपये प्रति क्विंटल। आपको याद पूरे 14 के 14 का कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको याद करना है, लेकिन लिखे हुए चीज़ को केवल दोहराने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कृषि उपज के नाम है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में के लिए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, MSP पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने की बढ़ोतरी हुई, इसको थोड़ा ध्यान देना कि धान की जो सामान्य धान है, सामान्य धान का पिछला वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, 2023-24 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, दोनों के बीच में 143 रुपये का अंतर है। यानी कि पिछले न्यूनतम समर्थन मूल्य से 143 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। बाजरे में 150,
मक्का बाजरे में जो है 150, मक्का में 128 रुपए और रागी में 268 रुपए की बढ़ोतरी। वैसे ही लागत पर मुनाफा, यानी कि उस कृषि उपज को उगाने में कितनी लागत लगती है और उस लागत के एवज में किसान को कितना मुनाफा होगा, ये सरकार का अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, प्रदेश सरकार, अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विविध, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता। देखिए, खेलो इंडिया प्रतियोगिता होता है, खेलो इंडिया प्रतियोगिता यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स भी होते हैं, वैसे ही खेलो इंडिया जनजाति ट्राइबल्स गेम्स भी आपके आयोजित हुए भुवनेश्वर में, 9 से 12 जून के आसपास ये आयोजित हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो महिला फुटबॉल टीम, ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला टीम ने जो है फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ जो कि सरगुजा जिले में स्थित है, रामगढ़ राम वनगमन पथ के 10 स्थानों में से एक स्थान है रामगढ़। रामगढ़ में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ 4 से लेकर के 5 जून, 2 दिवसीय था, 4-5 जून के मध्य जो है आपका ये रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ सरगुजा जिले में। नेक्स्ट है मिलेट्स खरीदी, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिलेट्स की खरीदी की। मिलेट्स के अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी प्रदेश सरकार कर रही है। ठीक है, कोदो कुटकी की खरीदी 3000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि रागी की खरीदी 3377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश सरकार ने किया। ध्यान दीजिएगा, मिलेट्स की खरीदी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ठीक है, मिलेट्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। और इसके आंकड़े सामने आए हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार ने 13,005 टन मिलेट्स की खरीदी की, जिसकी कीमत थी 39.60 करोड़ के 13,005 टन मिलेट्स की खरीदी प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे है आपका बस्तर जिले के कोडेनार में। यहां पर ध्यान देना क्या बोल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र का। शहरी क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे स्थापित किया गया है रायगढ़ में, बहुत पहले करंट अफेयर था। ठीक है, देश हमारे प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहां पे स्थापित किया गया, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ क्या है, शहर है, ये क्या बात हो रही, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे है बस्तर जिले के कोडेनार। यहां पर एक आपका रीपा है, ठीक है, एक आपका औद्योगिक ग्रामीण औद्योगिक पार्क है जहां पर, जहां आपका कोडेनार में, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है, आप सभी को पता होगा, इसकी शुरुआत 1 मई 2022 को किया गया था, पिछले साल के करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जितनी भी आपकी शासकीय सेवाएं हैं उसकी घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि आधार कार्ड के लिए आवेदन करना, आपका पैन कार्ड के लिए आवेदन करना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऐसे जो है अलग अलग बहुत सारी सेवाएं हैं जिसका आप घर बैठे आवेदन करेंगे, एक मितान आपके घर में आएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जा करके आपको आपका प्रमाण पत्र लाकर के सौंप देगा। यह है आपका मितान योजना। मितान योजना जो है इसे प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के 14 नगर निगम में लागू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं है, ये जो है प्रदेश के 14 नगर निगम में इसे लागू किया गया था। हाल ही में जून 2023 में इस मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार प्रदेश के 44 नगर पालिकाओं में भी कर दिया गया है। शुरुआत में इसे प्रदेश के 14 नगर निगम में लागू किया गया था, अब जो है इसका विस्तार 44 नगर पालिकाओं में भी किया गया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जल जीवन सर्वेक्षण 2023, हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन, जल जीवन सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन में हमारा नारायणपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा। 43 आकांक्षी जिलों में हमारा नारायणपुर सेकेंड पोजीशन पर रहा, याद रख लेना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पंजीकृत स्टार्टअप्स की कुल संख्या। हमारे छत्तीसगढ़ में नवंबर 2022 तक की स्थिति में 784 पंजीकृत स्टार्टअप्स मौजूद है। ठीक,
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े श्वेतांबर जैन मंदिर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर जो कि रायपुर में लालपुर नामक स्थान पर, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जो कि 20वें जैन तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत, ठीक है, श्री मुनि सुव्रत को जो है समर्पित है, यानी कि यहाँ पे 20वीं जैन तीर्थंकर की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्वेतांबर, आप सभी को पता होगा, जो जैन संप्रदाय है, ये दो आपके जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। यहाँ बात हो रही है श्वेतांबर की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा श्वेतांबर जैन मंदिर जो कि रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि 20वें जैन तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत जी को समर्पित है, ठीक है। तो ये था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2023, यहाँ पर होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।